ओम शांति मेरा नाम अरविंद है आ, मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ मेरा मैं अभी इस समय जो काम कर रहा हूँ वो है सोलर बिजनेस में मैंने शुरू किया है सन 2018 में और आ, मैं इस ज्ञान में आ, सन 2008 में हूँ आया था और आ, इस समय उस समय मैं स्कूल में पढ़ करता था जब मैं इस ज्ञान में आया तो मेरी बहन बड़ी बहन प्रोग्राम देखती थी उस समय आस्था चैनल पर तो उन्होंने उनके थ्रू मैं यहाँ पर आया तो तब प्रताप भाई जी ने मुझे इस ज्ञान के बारे में पूरी डिटेल में बताया तो कोर्स में पूरा करने के बाद जब उन्होंने मेरे को क्लासेस मैंने क्लासेस अटेंड की और उन्होंने क्लासेस में जब मुरली सुनी फिर मेडिटेशन का अभ्यास किया तो आ, उस समय मेरे पढ़ाई में जो ध्यान नहीं लगता था वो ध्यान लगना शुरू हुआ फिर जब आ, स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज में जाना था तो पता नहीं था कि कैसे जाना तो ज्ञान योग से वो बुद्धि का विकास हुआ ऑटोमेटिक जो आगे वृद्धि होनी चाहिए कि अपना डिसीजन कैसे लें तो वो धीरे धीरे अपने आप अप रास्ता खुलता गया फिर मैंने डिप्लोमा किया सन स्कूल पूरा होने के बाद स्कूल पूरा होने के बाद जब मैंने आ, डिप्लोमा शुरू किया तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल तो थो आई क्योंकि वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है समझने में जो वहाँ के आ, इलेक्ट्रिकल फील्ड का है तो धीर धीरे धीरे डेली ज्ञान का अभ्यास करने से सीरियसली जो बुद्धि का विकास होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता फिर काफ़ी साल आ, आ, मैं जॉब के लिए ट्राई करता रहा हूँ तो धीरे धीरे मैंने बिज़नेस फील्ड को अपनाने की कोशिश की तो अब मैं थोड़ा स्टेबल महसूस करता हूँ कि आ, अपने बिज़नेस को मैंने जो होल्ड करके रखा है अभी और काफ़ी योग और ज्ञान से आ, अपने सही तरीके से बिज़नेस में मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी मतलब एक भरोसा अपने ऊपर पैदा होता है कई बार आ, हम लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे कि या नहीं तो And में मैं यूथ के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी योग अभ्यास करना चाहिए ताकि उनको हर जो काम करना चाहें जैसा काम करना चाहें वो उस फील्ड में सफल हों ज्ञान योग उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे हैं जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और इस समय वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एंजाइटी या दुनिया का जो प्रेशर है अपने ऊपर वो कम करें तो अपनी बुद्धि का क्लियर करने के लिए इस समय उनको ज्ञान योग की बहुत आवश्यकता है इस वजह से उनको ये बुद्धि का विकास करने के लिए या अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ज्ञान योग का अभ्यास करना ज़रूरी है और मेरे को जो अनुभव हुआ है इस समय ज्ञान में चलते हुए कि अपने जीवन में अपने जीवन में जो ज्ञान का और योग का जो आ, अनुभव है कि बल मिलता है एक जो आत्मिक बल रहता है बौद्धिक बल जो डेवलप होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आ, और माइंड के अंदर वो ज़रूरी है बहुत क्योंकि आजकल के जो प्रेशर में एक इंसान जी रहा है वो बाहर का प्रेशर जो दबाव है एक इंसान के अंदर उत्पन्न करता है एंग्जाइटी को तो इसलिए ज्ञान और योग को प्रेफरेंस ज़िंदगी में देना ज़रूरी है यही मेरा एक यूथ को मैसेज है कि अपने जीवन में ज्ञान और योग को अपनाएं